सीएससी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको सीएससी आईडी मिल गई है तो जब भी आप सीएससी पे कोई भी काम करेंगे तो आपको वहां पे उस काम के बदले आपके वॉलेट से पैसे कट करने होंगे। तो दोस्तों, वॉलेट से पैसे कट करने के लिए आपके पास वॉलेट पिन होने चाहिए। तो सीएससी कियोस्क पोर्टल पे आप वॉलेट पिन किस प्रकार से जनरेट करेंगे, जो कि आपके सीएससी वॉलेट है उसके पिन होंगे, और जब भी सीएससी पे कोई भी काम करेंगे तब आपके पास सीएससी वॉलेट पिन मांगे जाएंगे, तभी आप कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इस वॉलेट पिन को आप पहली बार किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये दोस्तों सत्य है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे की कंप्लीट जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। सीएससी वॉलेट के पिन बनाने के लिए सबसे पहले सीएससी पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में जो मेनू दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं, अंत में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। यहाँ पे आने के बाद आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगले वाले भाग के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज वॉलेट पिन। तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग के अंदर आपको स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी जहाँ से आप वॉलेट पिन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद अगले वाले भाग के अंदर आपको वॉलेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डू यू हैव योर करंट वॉलेट पिन, अगर आपके पास पहले से वॉलेट पिन है तो यस करना है, वरना फिर नो करना है। तो इस मामलों में आप नो करेंगे क्योंकि आपके पास पहले से वॉलेट पिन नहीं है। अगर पहले से हैं और आप बदलना चाहते हैं तो यस करेंगे और पुराने वॉलेट पिन आप डालेंगे, उसके बाद जो नए वॉलेट पिन देना है वो डालेंगे, कंफर्म करेंगे और सबमिट बटन दबा देंगे और आपके वॉलेट पिन जो है वो बदल जाएंगे। लेकिन हमारे पास वॉलेट पिन नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डू यू हैव वॉन्ट टू रिसीव OTP, तो तीन ऑप्शन है जिस ऑप्शन से OTP लेना है। तो आपके पास अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन सही रहेगा मोबाइल। आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। सीएससी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल फ़ोन नंबर दिए थे उसके ऊपर एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। वह OTP नंबर आप यहां पे दर्ज कर लेंगे। वह OTP नंबर यहां पे दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे वॉलेट पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां पे पिन डाल के कन्फर्म करेंगे दो बार और उसके बाद सबमिट बटन दबाएंगे और आपको मैसेज मिल जाएगा कि पिन जनरेट हो गए हैं। तो दोस्तों ये तरीका था सीएससी कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन होके वॉलेट पिन जनरेट करने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों।